हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरी पर्सनल डायरी है। मैं आपको इसको दिखाने वाली हूँ। और ये मैंने डायरी तब बनाई थी जब मैं फोर्थ में थी, तो इसकी हालत देखते हैं कैसी है इसकी हालत अभी, क्योंकि अभी मैं सिक्स्थ में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रंट पेज पर लिख दिया आर एम एस स्लेप ऑप, एंड इसका मतलब है मैं स्लेप पॉइंट देखती हूँ। मैंने कुछ भी लिख दिया आर एस क्यूट डायरी, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और मैं आपको सेकेंड पेज दिखाती हूँ, ये रहा। यहाँ पर मैंने ऐसे डोनट बना रखा था, कपकेक वगैरह। और ये मैंने एक डायरी, ऐसे एक का किटन निकल रही है कब से, बटरफ्लाई को स्नैच करने के लिए, आई थिंक सो। तो ये भी मैंने बना दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट ड्राइंग दिखाती हूँ। डूडल की स्पेलिंग देख रहे हो, डूड्स, क्या डूड्स है भाई, देख रहे हो मेरी ड्राइंग कैसी है। आई होप आपको अच्छा लगे, ये तो मेहनत से बनाया ना, क्योंकि देख लो उसका इरेजर का भी प्रिंट्स लिख रहे, इतने मुश्किल से बनाया है मैंने। अब मैं आपको उससे भी नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ, चिंता मत करो। और ये है मेरी डायरी में मैंने कहानी लिखी थी जो हॉरर स्टोरी है, आई थिंक सो। हमने हैलोवीन के कुछ दिन पहले लिखी थी, आपको ही आपको समझ आ रही हूँ, फोकस कर देती हूँ उस पर, समझ लो अगर आपको पढ़ना। ये मेरी फ्रेंड प्रियमा मैंने लिखा है, पूरा तो उसने लिखा है, मैंने तो बस बोला है, फिर उसने भी बोला होगा थोड़ा बहुत, मुझे याद भी नहीं। और यहाँ पे हमने बना रखा था कप, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई, मेरे पास ऐसा कप था तो मैंने उसे को देख के बना दी सामने रखे। और ये देखो अब फनीएस्ट ड्राइंग इन द वर्ल्ड, ये पता नहीं क्या था। और यहाँ पे वही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, देख लो यहाँ पे कोरियन वर्जन से हाय अन्य ओ मामा दा थैंक यू कम समीदा ओ पापा दर हैप्पी बर्थडे सांगा चुका अमिदा। तो यही कुछ मेन वर्ड्स हैं। और यहाँ पे क्रिएटिंग कलरफुल, इस तरह से मैंने कलर्स के बारे में बताया कि ये कलर क्या स्टैंड करता है, जिस कलर स्टैंड फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे थे। तो अब यहाँ पे मैंने सारे कलर्स को मिक्स करके रेनबो क्रिएट होता है। आई विल डू या फिर आई कैन डू, आई कैन स्लीप, आई कैन कुक, आई कैन राइट अ डायरी, आई कैन रीड बुक एंड हैव अ हेल्दी डाइट, मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ। थिंग्स इन माई ट्रैवल बैग, देख रहे हो बैग से बड़ा तो डेरी मिल्क है। यहाँ पे टिश्यू पेपर, बॉटल, डायरी, टैब, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे एग्जाम ओवर, माई एग्जाम्स आर ओवर, नाउ द ओनली थिंग इज लेफ्ट टू बी डन इज मस्ती मस्ती मस्ती। तो ये भी इस तरह से देख सकते हो आप, ये मैंने बनाया था जब मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे, अभी भी चलते ही हैं आप थोड़े ना, लास्ट एग्जाम था। यहाँ पे प्लेसेस आई वॉन्ट टू विजिट, ये था। और इट्स अदर थिंग यू कैन अंडरस्टैंड, पता नहीं क्या लिखा है ये मैंने। और फिर उससे भी आगे अगर हम देखना है तो ये है, देखो मेरी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कैसी, ज़रा बता देना राइटिंग। मैंने रात को लिखा था लेटते हुए, मेरी राइटिंग ने लेटते हुए इतनी गंदी चाहती है ना, मैं क्या बताऊँ। यूट्यूबर्स के नाम लिख दिया, देखो मेरे पहले 14 सब्सक्राइबर्स थे, ओनली 14। और जब मैंने लिख दिया कि आई एम लेजी आ रहा है, यहाँ पे 2022 में मेरे 35 सब्सक्राइबर्स थे और अब 94 हो गए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, अपने इतने सारे सब्सक्राइबर्स कराएं। मैं चाहती हूँ 500 कर रहा, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस डाल सकती हूँ। फ्रेंड्स नेम मैंने लिख दिया था, ये मेरे फ्रेंड्स का नाम है, ये देख सकते हो। ये एक थॉट लिख दी थी हमने छोटी सी, आई होप आपको अच्छी लग रही है, ये मैंने अपने फ्रेंड के साथ करा था। यहाँ पे हमने ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज करा था, तो उस पर हमने रेटिंग दी थी। टीचर्स इन फोर्थ क्लास जिनको मैंने मिस करा, ये सारे टीचर्स हैं, और भी थी लेकिन सिग्नेचर नहीं मिला। यहाँ पे मैंने चिल्ड्रंस डे से स्पेशल एक ड्राइंग बनाई, हैप्पी बर्थडे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे मैंने एक थॉट लिखा, ऊपर एक बना दिया। यहाँ पे भी एक, ये मेरी राइटिंग नहीं है इतनी अच्छी, मेरी नहीं हो सकती, नीचे बस मैंने हेलो लिखा है शायद से। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ बर्थडे फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, बस इतना ही है इस डायरी में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।